चलो संभालो अपने आपको, यहाँ पे आते हैं। तो बढ़ते टारगेट पर चले। टारगेट इज वेरी सिंपल, वी हैव टू रिवाइज द एंटायर चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 इज एनीवेज अ वेरी सुपर इजी चैप्टर, कोई परेशानी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। बहुत ही मस्ती में फटाफट से इस चैप्टर को रैप अप करते हैं एंड देन वील बी मूविंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 14। चलो, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रेगुलेशन 1999, सेबी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रेगुलेशन 1999 क्या कहता है ये? सबसे पहले बात करता है अबाउट द डेफिनेशन ऑफ CIS। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रिफर्स टू अ स्कीम, चार पॉइंट। पहला, where contributions are pooled and utilized for the purpose of the scheme. Investor invests in the scheme with a view to receive profit, produce income or property. The entire scheme is managed on behalf of the investor. Investors do not have any day-to-day control over the scheme. Ye ho gaya definition of CIS. It specifically excludes cooperative society, contract of insurance, schemes like pension scheme, insurance schemes, deposit by NBFC, deposit under section 74, deposit by Nidhi, chit funds and mutual fund. इन सब चीजों को expressly exclude करता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक बार शांति से हम लोग देखते हैं थोड़ा सा slow speed में कि what do you mean by CIS? CIS refers to any scheme under which contributions are pooled and utilized for the purpose of the scheme. Contributions are pooled, utilized for the purpose of the scheme. कहने का मतलब इतना सा है कि बहुत सारे लोग हैं, वो लोग अपने पैसे को इकट्ठा करेंगे एक जगह पे। और ये मुझे बताओ, CIS इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी और अ ट्रस्ट? ट्रस्ट, CIS इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। चलो, तो CIS बना इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन आर पूल, लोगों ने पैसे इकट्ठा किया एंड इट इज यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ द स्कीम। आपकी स्कीम का पर्पज कुछ भी हो सकता है, लैंड एक्विजिशन, बिल्डिंग, फ्लैट बनाना, कुछ भी हो सकता है। ये जो पर्पज है इसका शेयर मार्केट से कोई रिलेशन नहीं होता है। सर, फिर सेबी इस पे अप्लाई क्यों करता है? सेबी इस पे इसलिए अप्लाई करता है बिकॉज ये जो लोग इन्वेस्ट करे, जिनके कॉन्ट्रीब्यूशन को पूल कर रहे हो, इनको देता है ये ट्रस्ट क्या? यूनिट्स। एंड दिस यूनिट, दोज यूनिट्स हैव टू बी लिस्टेड। तो सेबी का इंटरेस्ट एरिया ये है CIS के अंदर। What is CIS? Wapis, collective investment scheme refers to a scheme wherein the contributions are pooled and utilized for the purpose of the scheme. Okay. अब ये जो investors यहाँ पे invest कर रहे हैं, normally हम जो पढ़ते हैं mutual fund में, उनको क्या मिलता है? Return. यहाँ पे जरूरी नहीं कि सिर्फ return मिलेगा, यहाँ पे मिल सकता है profit, produce, income या फिर even property. हमने बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड लिया है, उसके अंदर हम लोग प्लॉट काट रहे हैं और हर एक इन्वेस्टर को एक एक प्लॉट देने वाले हैं, या फिर पीस ऑफ लैंड लिया है उस पर फ्लैट बनाएंगे, हर एक इन्वेस्टर को एक फ्लैट देने वाले हैं। ये सब चीजें CIS के अंदर कवर हो सकती हैं, ये सब CIS के अंदर कवर हो सकती हैं। तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रिफर्स टू अ स्कीम वेयर इन कॉन्ट्रीब्यूशंस आर पूल्ड एंड यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द स्कीम। सेकंड, द इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन द स्कीम विद अ व्यू टू रिसीव प्रॉफिट, प्रोड्यूस इनकम और प्रॉपर्टी। प्रॉफिट, प्रोड्यूस इनकम और प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज, द एंटायर स्कीम इज मैनेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर, कि पूरी की पूरी जो स्कीम है इन्वेस्टर के बिहाफ पे मैनेज की जाएगी। द प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द स्कीम इज मैनेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर। जो भी स्कीम के अंदर है, स्कीम में अंदर कुछ प्रॉपर्टी आ गई या कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन या इन्वेस्टमेंट, जो भी स्कीम के अंदर, इट विल बी मैनेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर। बट इन्वेस्टर्स विल नॉट हैव डे टू डे कंट्रोल ओवर द स्कीम। इन्वेस्टर डू नॉट हैव एनी डे टू डे कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द स्कीम। सो आई रिपीट अगेन, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रेफर्स टू scheme in which contributions are pooled and utilized for the purpose of the scheme. The investor invests in the scheme with a view to receive profit, produce income or property. The scheme is managed on behalf of the investor. The investor does not have day-to-day control over the scheme. It specifically excludes cooperative society. ये क्यों एक्सक्लूड करता है? रुको, मैंने आपको बताया था ये इसलिए एक्सक्लूड करता है बिकॉज CIS जब आया था उन्होंने क्या बोला कि CIS अप्लाई करेगा उन ट्रस्ट पे जिन पे कोई भी और रेगुलेशन अप्लाई नहीं करता है और जिसकी वैल्यू किससे ज्यादा होगी? 100 करोड़ से ज्यादा होगी। तो 100 करोड़ से ज्यादा जिस ट्रस्ट की वैल्यू होगी और उस पे कोई भी और रेगुलेशन अप्लाई नहीं करता है, और वो काम यही कर रहा है पूलिंग ऑफ फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, तो उसके ऊपर क्या अप्लाई हो जाएगा? CIS रेगुलेशन। तो CIS रेगुलेशन एक रेसिड्यूरी रेगुलेशन की तरह आया है, जिसका कोई नहीं उसका CIS। तो उन्होंने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया कि मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उनका अपना रेगुलेशन है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक्सक्लूड की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस भी एक्सक्लूड किया जाता है, एनी स्कीम, पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम, ये भी एक्सक्लूड किया जाता है, तीनों टाइप के डिपॉजिट एक्सक्लूड किए जाते हैं, डिपॉजिट बाय एनबीएफसी, डिपॉजिट अंडर सेक्शन 74, डिपॉजिट बाय निधि, ये तीनों एक्सक्लूड होते हैं। उसके बाद में चिट भी एक्सक्लूड होता है और म्यूचुअल फंड भी एक्सक्लूड होता है। याद रखना काफी इजी क्यों हो जाता है, इट इज 3+3+2, समझे? 3+3+2, इट इज 3+3+2, बीच के 3 तो सबको याद रहेंगे because it is what? Deposit accepted by NBFC, deposit under section 74 of Companies Act, deposit by Nidhi Company. ये सबको याद रहेंगे। ऊपर के तीन पॉइंट कौन से थे? Cooperative Society, Contract of Insurance, Scheme like Pension Scheme,
इंश्योरेंस स्कीम, लास्ट के दो म्यूचुअल फंड एंड चिट बिजनेस, तो लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है। चलिए उसके बाद में आता है रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एक्टिविटी ऑफ CIMC। CIS is always in the form of a trust, लेकिन उसको जो प्रमोट करता है, जो उसको स्टार्ट करता है, that is a company। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये CIS है, तो इसको जिस sponsor ने स्टार्ट किया है, that sponsor is a company and that is known as collective investment management company। तो उस ट्रस्ट को जिसने स्टार्ट किया है, जिसने सेटअप किया है, जो उनका कंपनी में, जैसे हम प्रमोटर बोलते हैं, जिन्होंने उस कंपनी को स्टार्ट किया होता है, वैसे ही जो ट्रस्ट को स्टार्ट करता है उसको हम स्पॉन्सर बोलते हैं। तो इनके जो स्पॉन्सर होते हैं वो होते हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, इट हैज टू बी अ कंपनी। अब उस कंपनी के रिस्ट्रिक्शन पढ़ रहे हैं कि वो जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है वो क्या नहीं कर सकती। इस चैप्टर को पढ़ते रहें, बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि चैप्टर के कुछ टॉपिक्स आर फॉर CIS, कुछ टॉपिक्स आर फॉर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। तो टॉपिक पढ़ने के पहले देखना होता है कि ये टॉपिक किसकी बात कर रहा है, ये CIS की बात कर रहा है या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी की बात कर रहा है। हमने पहली चीज पढ़ी डेफिनेशन ऑफ CIS, अब हम पढ़ रहे हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एक्टिविटी ऑफ CIMC, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी के क्या रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? पहला रेस्ट्रिक्शन, दे के नॉट अंडरटेक एनी एक्टिविटी अदर देन ऑफ मैनेजिंग द स्कीम, कि स्कीम मैनेज करने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। तो अगर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है तो वो सिर्फ मात्र केवल स्कीम को मैनेज करेगी और कुछ नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दे के नॉट एक्ट एज ट्रस्टी ऑफ द स्कीम। तीसरा, दे के नॉट इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज, कि भाई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी कुछ भी करेगी लेकिन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं करेगी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, दे के नॉट इवन इन्वेस्ट इन देयर ओन स्कीम, हाउएवर You can invest in your own scheme if you have given complete disclosures. चल, restriction on business activity की अगर हम बात करते हैं तो चार restriction आते हैं। पहला, you cannot, the collective investment management company should not undertake any activity other than managing the scheme. आपका पूरा focus managing of the scheme पे होना चाहिए, आप साथ में कुछ और काम नहीं कर सकते। तो you cannot undertake any activity other than managing of the scheme. Next, you cannot act as trustee of any scheme. आप किसी भी स्कीम के ट्रस्टी नहीं बन सकते, ठीक है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग अदर देन मैनेजिंग द स्कीम, हम ट्रस्टी भी नहीं बन सकते। वी कैन नॉट इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज, आप ऐसी स्कीम लॉन्च नहीं कर सकते जो सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करे। तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी कोई भी ऐसी स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती जो कि सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करे। तो CIS कहीं भी इन्वेस्ट करेगा लेकिन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं करेगा। एंड लास्ट, यू कैन नॉट इवन इन्वेस्ट इन स्कीम्स फ्लोटेड बाय इट, आपने जो स्कीम स्टार्ट की उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हाउएवर, डिस्क्लोजर देके आप अपनी खुद की स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। दीज आर फोर रेस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस एक्टिविटी ऑफ CIS। शांति देखो, याद हो रहा है चार बिजनेस एक्टिविटी थी ना, यू कैन अंडरटेक एनीथिंग, ठीक है। यू कैन नॉट बी अ ट्रस्टी, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, खुद की स्कीम में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, डिस्क्लोजर चलो। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्लिगेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, CIMC के क्या क्या ऑब्लिगेशन होते हैं, हमने पढ़ा के दो टॉपिक्स आते हैं, एक आता है ऑब्लिगेशन ऑफ CIMC और एक आता है जनरल ऑब्लिगेशन। तो आइडियली तो सवाल नहीं आना चाहिए, अगर सवाल आ जाता है तो हमें क्वेश्चन को देखना है कि भाई ऑब्लिगेशन पूछे या जनरल ऑब्लिगेशन पूछे। चलो, ऑब्लिगेशन के अंदर हमने कुछ एब्रीवेशन बनाए थे, उससे याद रहना चाहिए। एम, CIMC इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ व्हाट, मैनेजमेंट ऑफ द स्कीम, पर मैनेजमेंट करेंगे दीदी के साथ, कैसा, ड्यू डिलिजेंस के साथ, यू विल बी मैनेजिंग द स्कीम विद ड्यू डिलिजेंस। उसके बाद में यू, यू विल बी लायबल टू द यूनिट होल्डर फॉर कमीशन एज वेल एज ओमिशन। यू के बाद आता है आर, रजिस्ट्रार शेयर ट्रांसफर एजेंट को आप अपॉइंट करेंगे। उसके बाद में आपको MR and MM, मतलब आपको मंथली रिपोर्ट देना है सेबी को कि जो भी आपने पैसा खर्च किया। नेक्स्ट, आपको मंथली क्या करवाना है, मीटिंग, मंथली मतलब एवरी 3 months में 2 meetings होना चाहिए आपकी। और लास्ट पॉइंट आ जाता है, यू नीड टू हैव एडिक्वेट इंश्योरेंस। बस दिमाग में अगर आपको ये एब्रीवेशन, कैसा होता है हमारे दिमाग में, पिक्चर मेमोरी काम करती है। कभी कभी ऐसा होता था स्कूल में बहुत ज्यादा कि हमें कोई क्वेश्चन आता है उसका आंसर याद नहीं आ रहा है, बट हमें याद आ रहा है अरे वो इस पेज के लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में था, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था। वो क्यों होता था? बिकॉज हम स्कूल में इतने ज्यादा टेस्ट देते थे, यूनिट टेस्ट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, कि हमने उस पर 2-3 बार टेस्ट दिया होता था। तो हम उस पेज दिमाग में चिपक जाता था, भले वो पॉइंट याद नहीं आ रहा होगा बट इतना याद आता कि वो यहाँ पे कहीं होता है। तो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू रिवाइज, एग्जाम में भी ऐसा होगा। तो आपके दिमाग में इफ यू वॉन्ट टू नॉट, ऐसी इमेजेस आना चालू हो जाएगी, कैसा कुछ दिख रहा था, MDDU, ऑटोमेटिकली विल बी एबल टू एलाबोरेट। तो जहां पे आपको लगता है कि पॉइंट्स को याद रखना डिफिकल्ट है, उनके एब्रीवेशन को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दो, यू विल बी एबल टू रिमेंबर द पॉइंट्स इन एन इजियर वे। चलो, ये हो गया। इसके बाद में हम एक्चुअल संघर्ष पे आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 13 एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर एडिशनल टॉपिक्स में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट हमने इनको पढ़ा, कोई भी पॉइंट डिफिकल्ट नहीं है। पहला आता है ऑब्लिगेशन ऑफ CIMC, जो अभी अभी हम पढ़ कर आए। चलो, अब वो इमेज दिमाग में लाओ। सबसे पहले एब्रीवेशन क्या था, एम, तो CIMC undertake to do what, management of the scheme, DD, due diligence के साथ करेंगे, U, unit holders के लिए हम liable है for act of commission and omission, U के बाद में
आर रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करेंगे, एम आर एम एम तो हम मंथली रिपोर्ट देंगे सेबी को रिसीट्स पेमेंट्स की, एंड मंथली हम मीटिंग कंडक्ट करेंगे, मंथली मीटिंग मतलब एवरी थ्री मंथ्स में दो मीटिंग कंडक्ट करेंगे, एंड लास्ट में आई एडिक्वेट इंश्योरेंस होना चाहिए। चलिए इसके बाद में अगर हम बात करते हैं टर्मिनेशन ऑफ अग्रीमेंट विद सीआईएमसी, तो क्या बात कर रहे हैं कि हमारा ये सीआईएस है, ये हमारा सीआईएस है, इसमें हमने कुछ ट्रस्टीज को भी अपॉइंट कर रखा है और यहाँ पे इसके जो जिन्होंने इसको स्टार्ट किया है दैट इज सीआईएमसी। किन सर्कमस्टेंसेस में ट्रस्टी और सीआईएमसी के बीच में जो अग्रीमेंट है ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो द अग्रीमेंट बिटवीन द ट्रस्टीज एंड सीआईएमसी विल बी टर्मिनेटेड इन दीज थ्री केसेस। बहुत ऑब्वियस से केसेस हैं। पहला, अगर मान लीजिए सीआईएमसी ही वाइंड अप हो रहा है, इफ द सीआईएमसी इज गेटिंग वाउंड अप तो ऑफ कोर्स अग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। दूसरा, इफ द यूनिट होल्डर्स, यूनिट होल्डर्स अगर कोई भी चीज करना चाहते हैं उनको रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है विद हाउ मच मेजोरिटी, 3/4, तो यूनिट होल्डर्स 3/4 इन मेजोरिटी ने रेजोल्यूशन पास किया, लेकिन यूनिट होल्डर्स अकेले कुछ नहीं कर सकते, उनको हमेशा क्या लगेगा, अप्रूवल ऑफ सेबी। तो यूनिट होल्डर्स एक रेजोल्यूशन पास कर लें प्लस उन्होंने ले लिया अप्रूवल ऑफ सेबी तो भी ये अग्रीमेंट टर्मिनेट हो सकता है। एंड लास्ट, अगर कभी भी इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर ट्रस्टीज चाहते हैं टर्मिनेट करना, ट्रस्टीज को भी क्या लेना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी, या फिर अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर सेबी चाहता है टर्मिनेट करना तो सेबी को प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी तो नहीं लेना पड़ेगा, तो सेबी भी डायरेक्टली क्या कर सकता है, टर्मिनेट। तीन केसेस पड़े जिसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा टर्मिनेट। पहला केस हम पढ़ते हैं अगर सीआईएमसी वाउंड अप हो रही है, सेकंड अगर यूनिट होल्डर्स ने रेजोल्यूशन पास कर लिया 3/4 इन वैल्यू प्लस यू हैव ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ सेबी। थर्ड पॉइंट, इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर ट्रस्टी वॉन्ट्स टू terminate the agreement, they have to obtain prior approval of SEBI. In the interest of unit holder, if SEBI wants to terminate the agreement, SEBI also can terminate the agreement. Are you all here? बहुत easy point हो गया, winding up हो गया, unit holders plus SEBI approval, third point में trustee plus SEBI approval और SEBI's approval if they want it in the interest of unit holders. That is all about कब terminate हो जाएगा agreement between the trustees as well as collective investment management company. Next आता है procedure for launch of collective investment scheme, कि कभी भी, अब यहां से पूरा एक step आ जाएगा कि procedure launch कैसे करना है, offer document क्या करना है, allotment कैसे करना है, winding up कैसे करना है, एक step wise चलेगा। सबसे पहले है procedure के, आप launch कैसे कर सकते हैं, आप launch तभी कर सकते हैं सबसे पहले आपके पास में तीन लोगों का आशीर्वाद है, सबसे पहला trustees का, दूसरा credit rating agency का, तीसरा appraisal agency का। क्या कह रहे हैं, तीन आशीर्वाद चाहिए। पहला, it has to be approved by trustee, रेटिंग हैज टू बी टेकन फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एंड अप्रेजल होना चाहिए बाय एन अप्रेजिंग एजेंसी। तो कोई भी अगर स्कीम लॉन्च करनी है तो पहले तीन लोगों का आशीर्वाद चाहिए आपको, ट्रस्टी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड अप्रेजल एजेंसी। ठीक है सर, ये ले लिया। उसके बाद में क्या, आप लॉन्च कर सकते हैं सिर्फ मात्र केवल कौन से, क्लोज एंडेड स्कीम, उसके अलावा नहीं कर सकते, और मिनिमम टेन्योर हैज टू बी ऑफ 3 years। ठीक। आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा, पता है साहब हमको पहले से पिछले टॉपिक में पढ़ लिया था। उसके बाद में क्या अश्योर्ड रिटर्न दे सकते हैं क्या, नहीं, इंडिकेटिव रिटर्न्स दे सकते हो आप, लेकिन अश्योर्ड रिटर्न्स नहीं दे सकते। बहुत इजी पॉइंट है। फिर हम लोग आते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट। मैं कह रहा हूं मुझे कुछ बोलना ही, मैं एक वर्ड नहीं बोलना चाहता, बस मुझे बता दो कि कितने दिन का समय मिलता है सेबी को टू रिस्पॉन्ड, 21 days, बस ये पता होना चाहिए। तो जैसे नॉर्मल कंपनी वैसे ही सीआईएस को भी अगर कभी भी यूनिट्स इशू करने तो ऑफर डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा सेबी को, दे विल हैव टू वेट फॉर 21 days। अगर 21 days में सेबी ने कोई भी ऑब्जर्वेशन या चेंज बता दिया तो इस चेंज को इनकॉर्पोरेट करने के बाद में आप आगे बढ़ेंगे, और 21 days के अंदर उन्होंने कोई भी चेंज नहीं बताया तो जैसा आपका ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट था वही बन जाएगा आपका फाइनल डॉक्यूमेंट। ओके, अंडरस्टैंडेबल। उसके बाद में आपका ये ऑफर डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए, शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, इसमें कुछ भी मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, कुछ भी इनकरेक्ट या फॉल्स नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी इनकरेक्ट या फॉल्स हो तो मुझे कौन दो लोग लायबल होंगे, डायरेक्टर्स एंड द पर्सन हु आर इशूइंग। बात खत्म हो जाती है, सुपर इजी, सुपर से भी इजी। अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स, अब यहां पड़ा कि चलो ठीक है हमने ऑफर डॉक्यूमेंट इशू कर दिया, अब हम यूनिट्स अलॉट करना चाहते हैं, ये क्या कह रहे हैं, रुको, यूनिट्स अलॉट करना चाहते हैं उसके पहले एक चीज का ध्यान रखो कि आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिखा होना चाहिए मिनिमम एंड मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन, और ओवर सब्सक्रिप्शन भी आप कितना अलॉट करोगे उसका प्रोसेस भी। आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिखा होना चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन, और ओवर सब्सक्रिप्शन भी आप कितना अलॉट कर सकते हो उसका प्रोसेस भी। और उसके बाद में उन्होंने नॉर्मल बात करना चालू कर दी कि सुनो ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम आया तो क्या करेंगे, रिफंड करोगे, ऑब्वियसली बात है, कोई चॉइस तो है नहीं है। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन से आपके मान लीजिए ज्यादा आ गया जितना आपको चाहिए था तो आप अलॉटमेंट कर दोगे, सर्टिफिकेट सबको को दे दोगे। मुझे बताओ रिफंड या सर्टिफिकेट जो भी देना है, अलॉटमेंट कर रहे हो तो सर्टिफिकेट दोगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम आया तो रिफंड करोगे, अगर बहुत ज्यादा आ गया तो कुछ को सर्टिफिकेट कुछ को रिफंड करोगे। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, हर कंपनी यही करती है। टाइम पीरियड यहाँ पे कितना है, 6 weeks, ये हमें ध्यान रखना है, बाकी सब तो सेम चीज चल रही है, यहाँ पे टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी 6 weeks।
चलिए बहुत ज्यादा आसान। उसके बाद में एक और चीज आती है जनरल ऑब्लिगेशन। जनरल ऑब्लिगेशन में जनरल बातें ऐसी की कि सुनो ना, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना फॉर 5 years, 5 years के लिए टू बुक्स मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद में जो भी आप रिटर्न दे रहे हो उसके वारंट को आपको डिस्पैच कर देना विद इन 42 days फ्रॉम द डिक्लेरेशन। डिक्लेयर किया उसके 42 days के अंदर वारंट दे देना है आपको, फिर वारंट उन लोगों को मिलेगा, वो वारंट लेके जाएंगे कंपनी के ऑफिस पर दिखा के उनको जो भी हम दे रहे हैं प्रॉफिट प्रोड्यूस इनकम प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगा। तो वारंट डिक्लेरेशन से 42 days में मिल जाना चाहिए। और जब आप वाइंड अप कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं स्कीम, तो प्रोसीड कितने दिन में मिल जानी चाहिए? विद इन 30 days फ्रॉम द एंड। जब भी आपका 30 days हो रहा है, वाइंडिंग अप हो रहा है या आपका स्कीम बंद हो रहा है, उसके 30 days के अंदर आपको प्रोसीड्स मिल जानी चाहिए, ये भी ठीक है। उसके बाद में कोई भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट स्कीम 2 months के अंदर, जब भी ईयर क्लोज होता है सेबी को एनुअल रिपोर्ट देगा, तो जैसे ईयर क्लोज होगा उसके 2 months के अंदर सेबी को एनुअल रिपोर्ट देगा एंड साथ साथ एक एनुअल स्टेटमेंट भी देगा ऑडिटेड। हमने क्या पढ़ा था, अब हमने आगे का टॉपिक भी पढ़ा था, वो भी से याद आ रहा होगा। मुझे बताओ क्वार्टरली हमें सेबी को क्या देना है? अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन 1 month, याद आ रहा है क्या? बोलो हाँ। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि क्वार्टरली हमको अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने विद इन 1 month, और ईयर एंड होने के बाद हमको देने हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमने पढ़ा है, तो वही चीज यहाँ पे भी लिखी कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देंगे, लेकिन यहाँ पे हम उसको ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ते हैं। पीरियोडिक डिस्क्लोजर्स कौन से हैं? ये पॉइंट कहता है कि कभी भी अगर सेबी ने कुछ मांगी इन्फॉर्मेशन, तो वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव दैट इन्फॉर्मेशन। ये तो दे देंगे, इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक कि साहब पीरियोडिक क्या देना है। तो जैसे हम LODR में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं कि क्वार्टरली हाफली, यहाँ पे इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है, इतना सा है कि क्वार्टरली आपको 2 चीजें देनी है, एक अनऑडिटेड अकाउंट्स और एक क्वार्टरली आपको देना है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन अकाउंट्स। अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन असेट, ये आपको देना है क्वार्टरली, और ईयरली बेसिस पे आप दोगे क्या? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ईयरली बेसिस पे आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोगे, क्वार्टरली बेसिस पे आप दोगे अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। उसके बाद में ये लोग बोल रहे हैं कि आप कब देते हैं, तो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर। क्वार्टर एंड होता है मान लीजिए अप्रैल में, जून एंड में, तो आपको जुलाई एंड के पहले अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने। जुलाई अगस्त सितंबर, सेकंड क्वार्टर एंड हुआ सितंबर एंड, तो आपको अक्टूबर एंड के पहले आपको अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देने एंड सो ऑन। और उसके बाद में इतना सा कहकर सारे डिस्क्लोजर आपको देने हैं जिससे कि हर एक व्यक्ति एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। टेक अवे इतना सा है कि भाई क्वार्टरली 2 चीजें देनी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन असेट्स एज वेल एज अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और आपको ईयरली देना है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए, और उसके बाद में लास्ट टॉपिक आता है CIS का, दैट इज वाइंडिंग अप ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, के किन सर्कमस्टेंसेस में वाइंड अप हो जाएगी। बहुत आसान है, सबसे पहले तो बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने CIS बनाते समय कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रखा था या कोई स्पेसिफिक पीरियड रखा था, वो पूरा हो गया, ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है, पीरियड कंप्लीट हो चुका है, तो आप वाइंड अप कर दोगे, ये तो ठीक है, ये तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। स्पेशली वाइंडिंग अप की अगर मैं बात करता हूं तो ये 4 पॉइंट है। अगर वाइंडिंग अप की कभी बात होगी तो ये 4 पॉइंट पे फोकस करना है। अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मे बी वाउंड अप, पहला ट्रस्टी के इनिशिएटिव पे, दूसरा यूनिट होल्डर के इनिशिएटिव पे, तीसरा सेबी के इनिशिएटिव पे, और चौथा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी के इनिशिएटिव पे। याद रखना आसान है, 4 पॉइंट है वाइंडिंग अप के। एक के अंदर मस्ती किसको है? ट्रस्टी को। एक के अंदर मस्ती किसको है? यूनिट होल्डर को। एक के अंदर मस्ती किसको है? सेबी को। और लास्ट में मस्ती किसको है? CIMC को। मुझे बताओ इन 4 पॉइंट में सबसे कम अप्रूवल किसको लेना है? बिकॉज सेबी इज द मोस्ट पावरफुल, तो सेबी को सबसे कम अप्रूवल लेने होते हैं। सेबी बोलता है कि मेरे हिसाब से इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर बंद करना है, बंद कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा अप्रूवल किसको लेने? CIMC को। CIMC को तो ट्रस्टी से भी पूछना है, यूनिट होल्डर से भी पूछना है, और सेबी से भी पूछना है, तब जाके वाइंड अप होगी। बिकॉज वो सर्कमस्टेंसेस है जहां पे वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम हमारे CIS के ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश नहीं कर सकते। चलो शुरू से शुरू करते हैं, 4 केसेस में वाइंडिंग अप होगा। सबसे पहला केस, अगर ट्रस्टी को लगता है ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट के वाइंडिंग अप कर देना चाहिए विद द अप्रूवल ऑफ सेबी, ट्रस्टी कैन वाइंड इट अप। यूनिट होल्डर को अगर वाइंडिंग अप करानी तो उनको रेजोल्यूशन पास करना होगा 3/4 इन वैल्यू प्लस अप्रूवल ऑफ सेबी, दे कैन वाइंड इट अप। अगर सेबी को लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर, सेबी को कभी भी लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर, तो सेबी भी डायरेक्टली वाइंड अप कर सकता है। लास्ट पॉइंट ध्यान रखना, अगर CIMC को लगता है दैट हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो अकम्प्लिश नहीं हो सकता, तो CIMC भी वाइंडिंग अप के लिए बोल सकता है, पर उसको क्या चाहिए? यूनिट होल्डर्स का अप्रूवल 3/4 इन वैल्यू, ट्रस्टीज का अप्रूवल एंड देन सेबी का अप्रूवल, तो फिर हमारा CIS हो सकता है वाइंड अप। तो ध्यान रखना है 4 पॉइंट, चारों लोगों में से कोई भी इनिशिएट कर सकता है, हर एक का प्रोसीजर अलग है, हर एक की पावर अलग है। बिकॉज ट्रस्टी को चाहिए तो सेबी के अप्रूवल के साथ कर सकता है, यूनिट होल्डर पहले अपना रेजोल्यूशन पास करो 3/4 इन वैल्यू और सेबी के अप्रूवल से कर सकते हो, सेबी इनिशिएटिव ले रहा है तो वो खुद से कर सकता है। CIMC अगर कह रहा है दैट द ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड एंड वी वांट टू वाइंड इट अप, यू टू टेक यूनिट होल्डर्स अप्रूवल, यू टू टेक सेबी अप्रूवल, यू टू टेक ट्रस्टीज अप्रूवल, एंड देन यू विल बी एबल टू वाइंड इट अप।
ब्यूटीफुल। और जब भी आप वाइंड अप करेंगे दो चीजें देनी है, पहला एक रिपोर्ट देना है ट्रस्टी को कि किस तरह से हमने सारे असेट्स को बेच के लोगों को रिपे किया, और अभी रिपोर्ट पे भरोसा कैसे करेंगे ट्रस्टी की रिपोर्ट पे, तो उसके साथ में एक ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी देना है कि हमने सारी चीजों को ऑडिट करवा लिया है, सारे असेट्स को बेच के वी हैव पेड इट ऑल ऑफ। तो जब भी वाइंडिंग अप कंप्लीट होगा ट्रस्टी को सेबी को देना होगा एक तो रिपोर्ट दैट हाउ वी हैव सोल्ड ऑल द असेट्स एंड पेड एवरीवन, एंड अ सर्टिफिकेट कि देखो ऑडिटर कह रहा है कि ये सब हमने जो भी सेल किया एसेट और हम लोगों को रिपे किया दिस हैज ऑलरेडी बीन ऑडिटेड, वी हैव अ सर्टिफिकेट एज वेल। एंड हियर वी कंप्लीट द एंटायर चैप्टर नंबर 13। क्या लड्डू चैप्टर है, अरे मैं आपको बता रहा हूं, सुनना एकदम, इधर देखो बस, चैप्टर 1, 2, 3 इन चैप्टर में कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये चैप्टर बेस बनाते हैं आपके आगे का चैप्टर पढ़ने के लिए, बिकॉज इसके बाद का चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर 4। चैप्टर 4 अगर किसी के दिल में बैठा तो उसको सिक्योरिटी लो इजी लगेगा, नहीं बैठा तो उसको सिक्योरिटी लो हमेशा डिफिकल्ट लगेगा। 4 और 5 काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, 4 और 5 के लिए बेस बनाया था 1, 2, 3 ने, और 4 और 5 ने बेस बनाया है 6, 7, 8, 9, 10, 11 से लेके 14 तक के लिए। एक बार 4 और 5 अच्छे समझ में आए तो उसी बेस की ताकत पे आप सारे चैप्टर्स को पढ़ पाते हो बहुत आसानी से। दैट इज हाउ इट इज। तो 13 तो हमें कुछ लगता ही नहीं, इट इज सुपर 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 इजी टॉपिक। आर यू ऑल विथ मी?